हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल तुषार मार्बल में, और मैं हूँ आपका होस्ट तुषार यादव। तो गाइस, हम आ चुके हैं एक नए एपिसोड और एक नई जानकारी के साथ। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने एक पोस्ट अपडेट किया था कुछ दिनों पहले कि अगर आपको 3D टाइल्स के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए और लाइक करिए उस पोस्ट को। तो मुझे रिस्पॉन्स मिला उस पोस्ट पर, और जैसा कि इस टॉपिक पे यूट्यूब पे भी वीडियोस अभी अवेलेबल नहीं हैं कुछ रेंज में, मतलब अभी 3D टाइल्स इतना मोस्ट कॉमनली यूज में नहीं आता है क्योंकि कॉस्टली टाइल्स होती है। एक्चुअली मैं क्लियर कर दूं, ये कोई टाइल नहीं होती है, इसको बस नाम दिया गया है 3D टाइल का। ये टाइल नहीं होती है, इसको इस टाइल को बनाया जाता है, कुछ प्रोसेस होती हैं, उस प्रोसेस को करके इस टाइल को बनाया जाता है। लेकिन ये लगने के बाद इतना ही खूबसूरत आता है, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है अगर वो देखे तो वो वाव ना करे, मींस इट्स ग्रेट। लेकिन प्राइस रेंज भी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे भी घर में नहीं लगवा सकते उसको। आप चाहेंगे तो एक रूम में या फिर वॉशरूम में या किचन में एक स्पेसिफिक जगह ही लगवा सकते हैं, क्योंकि वो बजट आपका सारा बजट वो आपका टाइल ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइज, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छा होगा, आपको पसंद आएगा, और अगर आपको करवाना हो तो एक बार ज़रूर करवाइएगा ये 3D टाइल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, चलिए हम शुरू करते हैं 3D टाइल्स के बारे में आपको वीडियो बताने जा रहे हैं। तो जो 3D टाइल्स होती है गाइज, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये किसी पर्टिकुलर टाइप की टाइल नहीं होती है। मतलब अगर आप मार्केट में जाते हैं, शॉपकीपर से मांगते हैं कि मुझे 3D टाइल्स दे दीजिए, तो वो आपको ये टाइल्स जो मैं दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में वो प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके बजाय आपको PGVT जो आपकी डिजिटल टाइल्स आती है उस पर जो 3D पैटर्न्स आते हैं वो प्रोवाइड करेगा, और वो उसके रेट्स में और जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसके रेट्स में, मीन्स वास्ट डिफरेंस, बहुत ही बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है गाइस, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ मैं वीडियोस दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारे भी कुछ काम्स हैं और हमारे कलीग्स ने कुछ काम्स कराए हुए हैं, उनसे भी मैंने ये वीडियोस लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो गाइस, इसमें देख सकते हैं आप, ये जो वाइट पेबल्स का पूरा हो रखा है 3D टाइल्स फ्लोरिंग पे, ये किचन पे फ्लोरिंग हो रखी है, और आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब कोई भी पर्सन आता है, इसको देखता है तो वो वाह करेगा, कहेगा मींस क्या चीज़ है ये, वो एक बार ज़रूर पूछेगा आपसे कि आपने कहाँ से लगवाया, कितने का लगवाया, एंड सब कुछ वो पूछेगा। तो मींस बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप अगर वॉशरूम में लगवा देते हैं तो ब्लू पैटर्न पे आप कुछ भी, मैं देखिए वॉशरूम का भी दिखा रहा हूँ आपको, ब्लू पैटर्न पे आप रिवर लगवा दीजिए, जैसे लगेगा कि पानी बह रहा है ऐसा कुछ, बहुत ही पैटर्न्स आते हैं। अगर आपको अपने किचन पे लगवाना हो किचन पे लगवा सकते हैं, किसी बड़े हॉल पे लगवाना हो तो आप हॉल पे भी लगवा सकते हैं, लेकिन हॉल पे थोड़ा सा कॉस्ट आपकी ज़्यादा बैठेगी। तो कॉस्ट के ऊपर है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बहुत भी कहीं भी लगवाइए, किसी भी जगह लगवा सकते हैं। तो गाइज़, इसको लगाते कैसे हैं, इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, जिसका एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसको हम एक छोटी सी ही आपको एक डेफिनेशन बता सकते हैं, उसमें बताऊंगा मैं आपको, और ये वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में देखिएगा, वीडियो में एक छोटे से एरिया पे ही करके आपको दिखाया हुआ है कि क्या इसका प्रोसेस है। तो होता क्या है कि जिस भी एरिया में आपको इसको लगाना है, इंस्टॉल करना है, उसका इंच टू इंच आपका मेजरमेंट सही होना चाहिए। अगर इंच टू इंच मेजरमेंट सही नहीं होता है, कुछ भी अगर डेविएट कर जाता है, तो फिर आपका जो टाइल्स है, मीन्स ये 3D टाइल्स है, ये सही नहीं लगेगा। तो पहले एरिया का मेजरमेंट होता है, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लोग आएंगे, प्रोफेशनल लोग करने आते हैं, जो कि इस 3D टाइल्स को बनाते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं, वो प्रायर आते हैं कुछ दिन पहले, वो आपसे क्या नाम है मेजरमेंट लेके जाएंगे। उसके बाद वो उस मेजरमेंट की एक पेपर कॉपी निकलवाते हैं, जैसे अगर आपने चूज़ किया कोई डॉल्फिन का डिज़ाइन तो उसकी वो प्रिंट आउट निकलवाते हैं ऑन पेपर, बड़ी से प्रिंट आउट, इसकी एक पर्टिकुलर बड़ी से बड़ी मशीनें आती हैं, उससे पूरा प्रोसेस होता है, इसीलिए थोड़ा सा कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है। उससे ये पेपर पर प्रिंट आउट निकलवाएंगे, फिर वो प्रिंट आउट आपका पेस्टिंग होगी, पूरे आपकी जितने भी फ्लोरिंग होगी, फर्श होगी आपकी, उस पर पेस्टिंग होगी उस प्रिंट आउट का। उसके ऊपर आपका एडहेसिव, एपॉक्सी और पिगमेंट्स, इनका मिक्सचर कह लीजिए या फिर एक अलग सा ही सॉल्यूशन होता है कुछ ऐसा, कि जो आपका आपका जब सूख जाएगा उसके बाद वो ग्लास का ही रूप ले लेता है, ऐसा कुछ मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को पूरी पेस्टिंग के ऊपर बिछाया जाता है, प्रॉपर तरीके से उसको लेवलिंग करके बिछाया जाता है। उसके बाद कुछ टाइम को उसको सूखने को टाइम दिया जाता है, उसके बाद उसको सफाई करी जाती है प्रॉपर। फिर प्रॉपर सफाई के बाद जो भी चीज़ आएगी, जो भी फाइनल आउटपुट आएगा,
वो आपका अमेजिंग होगा, मीन्स इट इज़ आज लाइक ग्लास। आप जब उसमें फेस देखेंगे तो आपका फेस रिफ्लेक्ट करेगा, इतना ही प्यारा आता है, उसको 3D टाइल्स बोलते हैं। फिर जो कंप्लीट आपका प्रोडक्ट होगा 3D टाइल्स बोलेंगे। इसीलिए आपको 3D टाइल्स में जॉइंट नहीं मिलता, पहली चीज़, विदाउट जॉइंट होता है। दूसरा, लगने के बाद ये मजबूत हो जाता है, उतना मजबूत तो नहीं होता है लेकिन लगने के बाद एक हद तक मजबूत हो जाता है, मजबूती इसमें आ जाती है। और कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा बैठती है। अब जो कॉस्ट इसका आता है गाइस, वो 500 to 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। मीन्स अगर आपका 10 by 10 का कमरा है तो आपका 10 by 10 का कमरा 100 स्क्वायर फिट हुआ, अगर आपका 500 कर रहे हैं तो 50,000 का आपका एक 10 by 10 का कमरा कंप्लीट होगा। तो ये आपका नियर अबाउट कॉस्ट है। ये डिपेंड करता है कि क्या क्वालिटी मटेरियल दे रहा है शॉपकीपर आपको, किस लोकेशन पे आप जा रहे हैं। मींस लोकेशन वाइज तो मैंने आपको शुरू से बताता हूँ, प्राइस का डिफरेंस आता है, तो लोकेशन पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और इन सब पे डिपेंड करता है इसका प्राइस। आपको कहीं ये 350 रुपये स्क्वायर फिट का भी मिल सकता है, कहीं 1000 से भी ऊपर मिल सकता है। तो ये था 3D टाइल्स के बारे में। तो ये आपको सब जगह तो नहीं अवेलेबल होगा, अगर आपको लगवाना है तो आप अपने सिटी में कुछ बड़ी बड़ी शॉप्स या कुछ ऐसे शोरूम्स में विज़िट करिए, उनसे बात करिए 3D टाइल्स, उनको फ़ोटो दिखाइए। अगर वो नहीं समझते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, तो आप विज़िट कर सकते हैं। अगर हमारे किसी अगल बगल एरिया में होता है तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। होता क्या गाइज, एक्चुअली हमारा जो शोरूम सिचुएटेड है ये आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में है, तो हम विद इन यूपी सप्लाई करते हैं, विद इन यूपी आपको डिलीवर करते हैं। अगर विद इन यूपी आपका कोई भी ऑर्डर होता है तो वो आपको हम डिलीवर करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को, आपको आने वाले और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपको हमारा जो भी वीडियो नया अपडेट होता है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर 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 करिए।